हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू थिंक लाइक अ कोडर सो आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा आस्ट एंड डिमांड वीडियो है बिकॉज मैं कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि मैं कुछ टाइम पहले लिंकडिन पे एंड इंस्टाग्राम पे एक इमेज डाली थी मैं लिंकिन पे जो इमेज डाली थी उसमें क्या हुआ था कि मैं अपनी मॉम का ओल्ड इमेज को रिस्टोर करके डाली थी एंड इंस्टाग्राम पर मैं अपना चाइल्ड इमेज को रिस्टोर करके डाली थी तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि मैं ये इमेज को कैसे रिस्टोर करी एंड कौन से ए आई एम एल में यूज करी इसको रिस्टोर करने के लिए तो इसके रिगार्डिंग मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ सो तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ आज आज ही अभी इसी वक्त आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो नीचे आपको रेड कलर की एक बटन दिख रही होगी उस बटन बटन पर क्लिक कर दो एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बस हंड्रेड सब्सक्राइबर बचे हुए हैं टू थाउजेंड कम्प्लीट होने पे इसलिए मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो so चलो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगी तो एक्चुअली ये क्या है ना ये एलग्रिथम कोई मैं नहीं बनाई हूँ एक्चुअली ये गूगल को का मुझे एक नोटबुक मिला था एंड इस पर क्या है ना कि इस पर एक एलग्रथम कोई डिज़ाइन करा है मैं नहीं जानती कौन डिजाइन करा है बट काफ़ी अच्छा ये एलव्रथम है एंड बेसिकली ये आर्किटेक्चर है बोल सकते हो एआई आर्किटेक्चर या कंप्यूटर फिजन का आर्किटेक्चर है जिसमें क्या करा है कि okay, आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है इस कोड को आप मैं एक्चुअली मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस कोड को मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है कोड को लेकिन मैं फिर भी इस कोड का यूज करके मैं अपना इमेज को रिस्टोर करी हूँ मैं बताऊंगी कि आप भी कैसे अपना इमेज को रिस्टोर कर सकते हो तो इसमें कोई एक ये पेपर थी जी एफ पी जी ए एन उसी पेपर का ये इम्प्लीमेंटेशन है एंड इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोलैब नोटबुक बोल सकते हो अभी के टाइम पे है तो आपको करना क्या है कि सीधे यहाँ पे आना है यहाँ पे आने के बाद पहले आपको इसको रन करना है सो so, यहाँ पे आपको रन एनी भी का ऑप्शन आएगा आपको इसको सिंपली रन एनी भी कर देना है एंड ये ना क्वालैब में क्या होता है कि कोई भी अगर मशीन लर्निंग एल्टी तुम आप रन करते हो तो वो कुछ टाइम लेती है बेसिकली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि यहाँ पे जी पी यू रैम ये सब बहुत ज़्यादा लगता है तो ये अभी कुछ टाइम लेगी रन करने में सो जितना देर में ये टाइम लेती है तो उतना 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 टाइम में मैं आपको ये बताती हूँ कि न्यूटन स्कूल क्या है सो दिस वीडियो इज ब्रॉड यू बाय न्यूटन स्कूल न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है एंड अभी न्यूटन स्कूल का अभी आपका फेब्ररी बैच स्टार्ट होने वाली है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप जैसे चेक करोगे फर्स्ट लिंक होगी वही फेबररी बैच में अप्लाई करने का उस लिंक पे आप एक बार क्लिक जरूर करना उसमें आप अप्लाई जरूर करना बाद में आपको जाना हो या नहीं जाना हो तो बाद में सोचना लेकिन एक बार अप्लाई जरूर करना एंड अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो जो भी आपकी डाउट है अगर आप ये साइट जैसे कि न्यूटन स्कूल की जो प्लेटफॉर्म है उसको आप विजिट करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड प्लस आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप कोई भी कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हो सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव ग्रुप है तो आप वहाँ पर ज्वाइन करो एंड जो भी आपका डाउट है डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम पर पूछो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी होपफुली अभी तक ये जो मॉडल है ये रन कर गई होगी नो no, अभी भी, भी रन कर रही है बेसिकली होता है क्या कोई भी अब ए आई एम एल का ये करोगे ना बेसिकली ये जो है ना ये गूगल को लैब गूगल को लैब क्या होगा तो होता है कि गूगल के द्वारा आपको फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर दी गई रहती है उस पर यह रन कर रहा है एंड इसकी बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है जैसे कि आपको दिखाती हूँ मैं रैम एंड ये सब का स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छा है इसका लेकिन फिर भी टाइम ले रहा है सोचो मतलब कितना ज़्यादा ये इंटेंसिव टास्क है एक्चुअली मैं कॉलेज में थी उस समय मैं ए आई एम एल पर बहुत वर्क करती थी तो मैं टाइकमांडू में मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी करती थी तो मैं जैसे ही कॉलेज से आती थी तो मैं कोई मॉडल को रन करके लगा देती थी उसके बाद मैं चली जाती थी टाई टाइकमांडू का प्रैक्टिस करने एंड जब मैं टाइकमांडू का प्रैक्टिस अराउंड टू आवर मैं करके वापस आती थी तब मेरा फिर मैं नाश्ता करती थी फ्रेश होती थी उस टाइम तक भी मेरा मॉडल रन ही करता रहता था एंड अगेन जब मैं मैं सारा अपना पर्सनल वर्क कंप्लीट करके जब मैं बैठती थी लैपटॉप के सामने तब पता चलता था हाँ अब अब कम्प्लीट हो गया मतलब अब जो हमारा मॉडल रन कर रहा था वो सही हो गया मतलब वो ट्रेंड हो गई हमारी मॉडल तो ये अभी टाइम लेगी थोड़ा सा तो इस बीच में जितना मैं टाइम ले रही है मैं आपसे कुछ बातें करूँ या अब क्या कर सकती हो आप स्किप कर सकते हो और आपको कुछ पार्ट को स्किप करना है सिंपल मैं सैम्पल दिखाती हूँ तब तक आपसे तो ये आप देखो ये इमेज कितना अच्छा ये पहले तो इमेज लोड लिया है यहाँ पे एंड ये इमेज लोड लेने के बाद यहाँ पे ये इमेज को रिस्टोर करा आप देख सकते हो कितना अच्छा रिस्टोर हुआ है चलो मैंने अपना चाइल्डहुड फ़ोटो दिखाती हूँ जब तो तक आपको एक्चुअली मैं टाइम किल करी जब तक ये रन होगा सो so, मैं आप अपना चाइल्डहुड फोटो दिखाती हूँ जो कि मैं रिस्टोर करी थी तो ये रिस्टोर फेस है अब ये देखो मेरा ये मेरा रिस्टोर किया हुआ इमेज है एंड ये मेरा पहले जो रिस्टोर नहीं था क्रॉप्ड इमेज था ओनली आप ये देखो अब इस दोनों इमेज में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा ये मेरा इमेज है मैं तीन साल की थी उस उसका इमेज है आप देख सकते हो कैसे चेंज हुआ है एक्चुअली मैं ये इमेज रिस्टोर करने के बाद मैं अपनी मम्मी को सेंड करी थी इमेज मम्मी विश्वास नहीं कर रही थी वो बोली थी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये इमेज इतना अच्छा भी बन सकता है नियर फ्यूचर में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा कि ये इमेज भी इतना अच्छा बन जाएगा सो so, इतना अच्छा मतलब फीलिंग होती है यही होती है टेक्नोलॉजी कितना अच्छा आपको क्या मतलब एक तरह से आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है जो आपको बहुत कुछ हैप्पीनेस दे सकती है जैसे कि आप यही देख लो कितना ज़्यादा हैप्पीनेस आती है अगर आप अपना पुराना इमेज को इतना रिस्टोर करके देख सको देख सकोगे तो तो होपफुली अभी ये रन कर गया होगा यस ये रन कर गया है एंड इसके बाद मैं क्या करूँगी ये रन करूँगी तो एक्चुअली ये ना बस शो करने के लिए तो आप इसको स्किप कर सकते हो इसको स्किप करके डायरेक्ट अभी ये रन करो ये जो पार्ट है ये बस इमेज को शो कर रहा है मतलब तो ये वाला मतलब फर्स्ट वाले आपको ये फर्स्ट वाला जो एक्चुअली इंटरप्रेटर है कंपाइलर नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपको टैब जो था वो ये रन करने के बाद आपको सेकेंड स्किप करना है एंड थर्ड रन करना है ये भी रन हो गए अब इसके बाद मैं फोर्थ रन करूँगी देखती हूँ मैं फोर्थ में तो बस ये चेक कर रहा है कि ये इमेज का ये जो इसके पास अपना सैम्पल इमेज था उसको रिस्टोर कर रहा है उसके बाद मुझे क्या रन करना है मुझे ये भी रन करना होगा ये भी रन हो गया अब उसके बाद ये मैं स्किप कर सकती हूँ ये मैं स्किप कर सकती हूँ ये रिजल्ट एलेश रिजल्ट लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं कर देती हूँ रन ये पार्ट मैं स्किप कर सकती हूँ इसके बाद मैं जाती हूँ नीचे वाले पार्ट में ये भी मैं स्किप कर सकती हूँ बस ये रन कर रहा है उसके बाद मुझे ये वाला पार्ट रन करना होगा ये बस यहाँ पे ये चेक कर रहा है इनमें से मतलब बस ये आउटपुट दिखा रहा है ये पार्ट रन करने के बाद यहाँ पर भी ये बस आउटपुट है अब यहाँ पर मैं ये रन करूंगी डायरेक्ट अपलोड करने का बेसिकली आप दो साइमिलटेनियसली रन कर लोगे तो जब तक पहला वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा तो अब यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ गया अब मैं यहाँ पर फाइल चूज करूँगी तो मैं डाउनलोड्स में जाती हूँ एंड एक्चुअली मैं रिजल्ट टू में जाती हूँ एंड यहाँ पर जो क्रॉफ्ट फेस था कोई भी इमेज ले सकते हो यहाँ पर ज़रूरी नहीं क्रॉफ्ट फेस लो लेकिन मैं ये क्रॉफ्ट फेस लूँगी तो अब ये देख सकते हो कितना गंदा सा इमेज है मतलब कितना ब्लड हो चुका है इमेज मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया अब मैं पैन ये सिलेक्ट करने के बाद मैं ये रन करूँगी उसके बाद इसका भेजुलाइज वाले कोड में कुछ एरर है कि कोड रन नहीं होती है फिर भी मैं चलो रन करके कर आपको दिखाती हूँ इसके भेजुलाइज वाले कोड में कुछ एरर आता है मतलब आप यहाँ पे स्क्रीन में भेजुलाइज नहीं कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो तो यहाँ पे डाउनलोड हो रही है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होती है चलो ये डाउनलोड हो गया अब मैं अपने डाउनलोड्स में जाती हूँ ये अभी न्यू फाइल डाउनलोड हुआ है इसको मैं ओपन करती हूँ ये न्यू हमारा रिजल्ट बन गया इसको ओपन मैं करी न्यू टाइम में एंड अब मैं यहाँ पे कंपेयर में जाती हूँ कंपेयर में दिखाएगा दोनों ही बच्चों कंपेयर करके अब इसको मैं ओपन करी आप देखो डिफरेंस एक्चुअली आई डोंट नो ये क्रॉप सही से नहीं किया है इस कारण से आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इमेज बट आप ये देखो पहले वाली इमेज में मैं क्रॉप जब अपलोड नहीं करी थी तो इस कारण से यहाँ पर इमेज का डायरेक्शन सही था लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना सही रिस्टोर हुआ है फीचर्स देखो चेहरे का तो सिंपल आपको यही यही स्टेप को फॉलो करनी है ना आपको आपका ओल्ड इमेज न्यू इमेज में रिस्टोर हो जाएगी सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो होपफुली मैं इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताना चाहती हूँ मैं सब कुछ बता दी हूँ एंड हाँ आप न्यूट्रन स्कूल की वेबसाइट पर जरूर चेक करना आपको डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगी एक बार आप लिंक पर जरूर क्लिक करना सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू सो मच